एक ऐसा गैंग जो बाकायदा कंपनी बनाकर गांजा बेचता था। कंपनी में एक नहीं बल्कि एक दर्जन मेंबर काम कर रहे थे। पुलिस ने बाराबंकी के रहने वाले ऐसे ही 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जो शाहजहांपुर में बाकायदा एक गांजा कंपनी बनाकर ज़िले में गांजे की सप्लाई करते थे। लेकिन अब कंपनी और इसके कारिंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। तस्करी से जुड़ी इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर के सुपर फास्ट बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं आसिफ अली और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। कोडार पुलिस ने अंतर जनपदीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान गिरोह के सरगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 30 किलो गांजा और 15 क्विंटल भांग बरामद हुई है। साथ ही तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार और 11 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी तस्करों को कठना नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बरामद किए गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। कथावाचक पंडित सत्यपाल मिश्रा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए बाजार में नामी दुकानों पर बिक रही मिठाई में मिलावट करने का आरोप लगाया है। शिवसेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग पंडित सत्यपाल मिश्रा के नेतृत्व में लगभग एक दर्जन लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने बाजार में बिक रही मिठाइयों में मिलावटखोरी होने का आरोप लगाते हुए सैंपल भरवा कर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने SP ऑफिस में आने वाले फरियादियों की पैसा लेकर वीडियो बनाने वाले और खुद को पत्रकार कहने वाले लोगों पर फरियादियों का आर्थिक शोषण करने का भी आरोप लगाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निगोही के चैनारूरिया गांव की रहने वाली शिक्षा मित्र प्रीति देवी ने स्कूल के सहायक अध्यापक पर अभद्रता करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला शिक्षा मित्र ने ADM के सामने रो रो कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। महिला शिक्षा मित्र का आरोप है कि सिंधौली थाना क्षेत्र के बचियानी प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक आदाब खान स्कूल में मछली खाता है। विरोध करने पर शिक्षा मित्र के साथ मारपीट की गई। महिला ने गुहार लगाई है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करके उसे स्कूल से हटाया जाए। फिलहाल अब मामले में जाँच के आदेश दिए गए हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिनके पास से 300 लीटर से ज्यादा अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं मौके से बरामद हुए लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के कार्यकर्ता आज नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन देते हुए किसान यूनियन ने मांग की है कि SDM तिलहर द्वारा लगातार किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा बिक्री किए गए धान का भुगतान दीपावली से पहले कराया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस का एक बार फिर से सराहनीय चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस ने रास्ते में ज्वेलरी से भरे बैग को उसके मालिक तक सुरक्षित पहुंचाया है। पुलिस के सराहनीय और ईमानदारी भरे इस काम की हर कोई सराहना कर रहा है। बताया जा रहा है कि आज थाना रामचंद्र मिशन पुलिस के चीता 14 पर तैनात कांस्टेबल नरेंद्र सिंह गश्त पर थे, तभी पुतुलाल चौराहे के पास उन्हें लावारिस हालत में एक बैग मिला। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे। सिपाही नरेंद्र सिंह ने जानकारी करने के बाद थाना अध्यक्ष के आदेश पर बैग के मालिक को तलाशा, बाद में मालिक शबनम और अनीस को सौंप दिया। पुलिस का यह एक ईमानदारी भरा और सराहनीय कार्य था, जिसके लिए मिशन 24x7 भी उन्हें सलाम करता है।
आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने परिवहन विभाग से संबंधित तमाम समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। महासभा ने समस्याओं से संबंधित ज्ञापन एआरटीओ प्रशासन एमपी सिंह को दिया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 करने की मांग की है। महासभा ने बताया कि विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके चलते वाहन स्वामियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महासभा ने आरटीओ ऑफिस में दलालों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा कि यहां आने वाले उपभोक्ताओं को लूटने का काम किया जाता है और उनका आर्थिक शोषण दलालों द्वारा किया जाता है। सिंधौली इलाके के एक गांव में 5 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने सिंधौली पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कुकर्म की घटना 2 महीने पहले की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि 2 माह पहले उनका 5 वर्षीय बेटा खेत पर बकरी चराने गया था। उसी दौरान गांव के ही एक युवक ने बच्चे को पकड़कर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अब परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर न्यायालय की शरण ली है। पुआया पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 20 लीटर कच्ची शराब और 500 लीटर लहन बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद हुई लहन को मौके पर ही नष्ट करा दिया है। पुलिस ने इनके पास से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके के गांव धारा के रहने वाले अवधेश और अनिल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। जिले में पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए डग्गामार और ओवरलोड वाहन सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यातायात माह चल रहा है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले की सड़कों पर ओवरलोड डग्गामार वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिनको रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि ओवरलोड डग्गामार वाहन किसी भी समय किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं।